सो स्टूडेंट्स नैक्सट जिहड़ा इहदे विच गलवैनोमीटर दा आपां डिस्कशन कर रहे हैं। गलवैनोमीटर दी हुण अज करांगे आपां करंट सेंसिटिविटी हुंदी है कि तुहाडे जिहड़ा गलवैनोमीटर आ उहदे विच किन्नी डिफलैक्शन हुंदी है जदों यूनिट करंट पास करदा उहदे विचों गलवैनोमीटर दे विचों। तुसीं किवें लिखांगे इहनूं? करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड एज द डिफलैक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गलवैनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। हम इन आप किवें लिख सकते हैं? डिफलैक्शन करंट सेंसिटिविटी हो गया कि डिफलैक्शन किनी फाई ओवर यूनिट करंट, है ना, आई ले लिया, है ना, आई करंट। हुण फॉर्मूला किया सी आपां, जनरेट किया सी, आई किहदे कोल हैगा सी जी? सी ओवर एन बी ए इंटू फाइव, ठीक है जी। यह फॉर्मूला आपां किया सी आई का, करंट कितना पास करता गलवैनोमीटर दे विचों, ठीक है। यदि आई की वैल्यू इतने पुट कर दो तो करंट सेंसिटिविटी है जी कि आ गया जी फाई ओवर, इतने वैल्यू कि सी फाई ओवर एन बी ए, ठीक है जी, कि आ जाएगा फाई ओवर सी फाई इंटू एन बी ए, फाई फाई कैंसल, कि आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी एन बी ए ओवर सी, सी कॉन्सटेंट है तुम्हें पता जी, रीस्टोरिंग टॉर्क, सॉरी पर यूनिट ट्विस्ट, कि सी की है वा रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है जी। नैक्सट है जी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ए तो ही यूनिट कर लोगे ना, की यूनिट हो गए, यूनिट्स की हो गए करंट सेंसिटिविटी के, रेडियन पर अंपीयर, रेडियन होंगे ना यदा ऐसा यूनिट पर अंपीयर। नैक्सट है जी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है जी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की होंगी अपनी वही कि कितनी डिफलैक्शन होएगी, डिफलैक्शन फाई ही ना, कितनी डिफलैक्शन होएगी पर यूनिट जदों पोटेंशियल पास करेगा गलवैनोमीटर के विचों, ओवर वी लिख देंगे। हुण जो तुम सेंसिटिविटी फाइंड करनी फाई ओवर वी कि खिलाऊँगा आई इंटू आर, आई की वैल्यू पुट कर दो जिनी ए वैल्यू से आई की, तो वैल्यू पुट कर दो फाई ओवर सी फाई ओवर एन बी ए इंटू आर, फाई फाई कैंसल्ड हो जाएगा, की आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी कि आ जाएगी एन बी ए ओवर सी आर। तो ध्यान ना देखोगे तो आ की है तोड़ा करंट सेंसिटिविटी ओवर, हाँ ये यूनिट की होंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी दे अंपीयर, सॉरी रेडियन, देखो रेडियन है ना पर वोल्ट, ठीक है जी। तो हम कंडीशन करते हैं फॉर ए सेंसिटिव गलवैनो मीटर, ठीक है जी। सो कंडीशन क्या है सेंसिटिव को तो कहें गलवैनोमीटर, ए गलवैनोमीटर इज सेट टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन even when a small current is passed through it, जो थोड़ा जहा करंट पास करे उस वे डिफलैक्शन आ जाए बहुत सारी, तो उन्होंने की कहेंगे अपना कि गलवैनोमीटर की है सेंसिटिव हैगा। हम तुम्हें पता कि डिफलैक्शन किन बी ए ओवर
रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इनटू आई। सो थीटा कदों लार्ज, फाई कदों लार्ज होएगा, जदों ए वैल्यू की होएगी लार्ज होएगी। ए वैल्यू कदों लार्ज होएगी, जदों ए डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होना, जदों एन की होएगा लार्ज होएगा, बी भी की होएगा लार्ज होएगा, ए भी की होएगा लार्ज होएगा। ठीक है, किसी गिवन वैल्यू, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ करंट आई है ना, उदली कर रहे हैं। ठीक है, करंट आप फिक्स रखे पास करा रहे हैं, सी की होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ओनली दैन देयर विल बी ए लार्ज डिफ्लैक्शन इवन वैन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू द क्लोमेनो मीटर। ठीक है जी, सो की अपने को चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट चैलेंज है द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इनक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट। क्यों, क्योंकि ये नाल की होंदा वा जिहड़ा गलवैनोमीटर आ उहदी रेजिस्टेंस की हो जाती, इनक्रीज हो जाती है। तो गलवैनोमीटर भी की बना दिंदी है, बल्कि बना दिंदी है, जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होणगियां बल्कि बना देगा उन्नी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तुहानू पता लेंथ इनक्रीज होनी है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जानी है, तो ये नाल की हो जाएगी तुहाडी सेंसिटिविटी की हो जानी है, डिक्रीज हो जानी है। सो एन कैन नॉट बी इनक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। क्यों, क्योंकि जे इनक्रीज करते हैं एन आप ज़्यादा इनक्रीज करते हैं फिर क्या होएगा, रेजिस्टेंस इनक्रीज हो रही है, गलवैनोमीटर की हो रहा बल्कि। ठीक है, हुण जदों रेजिस्टेंस इनक्रीज कर गई इहदे नाल की हो रहा, तुहाडे गलवैनोमीटर की सेंसिटिविटी की हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सैकेंड, हुण बी नूं किवें कर सकदे इनक्रीज आपां, मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी कैन बी इनक्रीज्ड बाय यूजिंग ए हॉर्स शू मैगनेट। ठीक है जी, तीजा द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इनक्रीज्ड बियॉन्ड ए लिमिट। क्यों, क्योंकि यूनिफ अपने को जो मैगनैटिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं रहना। द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इनक्रीज्ड बियॉन्ड ए लिमिट, रीजन इज उदों कॉइल की होएगी अपनी यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड च नहीं रहेगी, फिर कॉइल विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। ठीक है जी, सो ए दी वैल्यू आप ज़्यादा इनक्रीज नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ के इनू आप करना डिक्रीज करना ही, इनू डिक्रीज कर सकते हैं किदा, क्योंकि के कित डिपेंड करता वा, के डिपेंड्स ऑन, सॉरी के नहीं, सी, द वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल यूज्ड। ठीक है, एज सस्पेंशन स्ट्रिप, के दी वैल्यू, सी दी वैल्यू स्मॉल बहुत होंदी है, किहदे वास्ते, फॉस्फोर ब्रॉन्च जां स्प्रिंग कहदा बनया होवे, क्वार्ट्स दा। सो यही रीज़न है कि आपां की यूज़ करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्च जां क्वार्ट्स नूं यूज़ करते हैं फॉर स्प्रिंग। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक आपां कीता है ना, मैं सेंटर च बनाया सॉफ्ट आयरन कोर है, की हैगा ये सॉफ्ट आयरन कोर, इनू क्यों यूज़ करना मैं तुहानू दस्सिया ही ना, मैं रीज़न तुहानू दस्सांगा।
ये रीज़न ये है कि सानू केड़ा फील्ड चाहिए मैगनैटिक फील्ड, रेडियल मैगनैटिक फील्ड केड़ा चाहिए जी, रेडियल मैगनैटिक फील्ड। सो असं की यूज़ करते हैं, वी यूज़ इनू पहला लिख लेना ठीक है आर्टिकल, वी यूज़ रेडियल मैगनैटिक फील्ड। तो एक कि मैगनैटिक फील्ड, रेडियल मैगनैटिक फील्ड कि जनरेट कर सकते हैं, किमें कर सकते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड यूजिंग सिलेंड्रिकल, पहला सॉफ्ट आयरन कोर क्योंकि इसकी मैग्नेटाइज हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है सॉफ्ट आयरन कोर, सेकेंड सिलेंड्रिकल पोल मैग्नेट्स जोड़े पोल लाए नॉर्थ और साउथ, ठीक है जी। ठीक स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होना थोड़ा जो थीटे की वैल्यू वो कितनी हो रही है 90 डिग्री हो रही है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, मतलब थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट तो बी दोनों च कि एंगल होना 90 डिग्री होना, तो साइन 90 डिग्री कि होंगे 1 होंगे, जो टॉर्क तो ही फाइंड की उतने मिलेगा है ना एन आई बी ए साइन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री ता लिया ही जे आप ही लगाने हैं रेडियल मैगनैटिक फील्ड यूज़ करने तो 90 डिग्री होना, उदा नहीं ठीक है जी। सो ये डायग्राम हैगी है कि रेडियल मैगनैटिक फील्ड लगाने एन सी आर टी के उपर तो ड्रॉ कर लेनी है ठीक है, ये बाउंड की वायरस ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं ठीक है जी। जो सॉफ्ट आयरन कोर आ सो उहदे नाल की होया, जो सॉफ्ट आयरन कोर आ ना वो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल आ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो रखिए तो वो मैगनैटिक सैप्टेबिलिटी इनक्रीज कर जाती है, तो तुम मैं अगले नैक्सट चैप्टर से करवावगा उदो आएगा तुम डिटेल से करावगा फेरो मैगनैटिक मैगनेटिजम ठीक है, ये मैगनेटाइज हो जाता, इट अट्रैक्ट्स ऑल मैगनैटिक फील्ड लाइन्स एंड टू जिन्हें मैगनैटिक फील्ड लाइन है ना सारिया अट्रैक्ट कर सारे मैक्सीम ये जो पास कर दी फिर सॉफ्ट आयरन कोर जिसके उपर कॉयल आप माउंट किए ठीक है जी। सो इन्हें ऐड कर लेंगे थैंक यू। नैक्सट है अपना शंट, शंट की है जी अपना लो रेजिस्टेंस है, शंट की है जी, शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, गलवैनोमीटर ने पैरल च लगाई दी है, मान लो देखो थोड़ा है गलवैनोमीटर अभी पैरल च कि लगावे इंज लगावे ना, तो शंट मतलब बहुत घट्ट वैल्यू होंगी रजिस्टेंस की, रजिस्टेंस बहुत घट्ट होंगी ये ठीक है, उन्होंने कहने आप शंट इन कि कनैक्ट करते हैं गलवैनोमीटर के पैरल कनैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, द रीज़न है वा इट प्रोटेक्ट्स द गलवैनोमीटर फ्रॉम स्ट्रोंोंग करंट, स्ट्रोंोंग करंट तो कैसे प्रोटेक्ट करते, देखो जिम्मे इधरों करंट आई आ रहा, इस करंट कि पास करना आई जी इधर आई एस, जो स्ट्रोंोंग करंट आएगा ना हम यदि रजिस्टेंस घट है, यदि रजिस्टेंस ज़्यादा, सो करंट ऑलवेज कि पाथ फॉलो करता जिधर रजिस्टेंस घट होंगी सारा करंट इस पास कर देगा, इस थोड़ा बहुत करेगा पास ठीक है, इस तरीके ने गलवैनोमीटर अपना डैमेज नहीं होएगा, इन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है शंट रजिस्टेंस किमें, क्योंकि जो करंट आ वो कि पाथ फॉलो करता जिधर रजिस्टेंस घट है ठीक है, तो करंट ये जो पास कर गया स्ट्रोंोंग करंट गलवैनोमीटर बच जाएगा तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, इस करके इन शंट रजिस्टेंस में यूज़ करते हैं ठीक है जी। हूँ करंट कि पास करता शंट रजिस्टेंस में इन भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ईजी है ठीक है जी, किमें कर सकते हैं देखो ए पॉइंट ए है तो ए पॉइंट बी है, हम तुम्हें पता पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस तो ए क्रॉस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की है सेम
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गलवेनोमीटर दोनों ही है सेम। ठीक है, हुण ये क्रॉस करंट कि आई एस लिया ना आप, आई एस इंटू रजिस्टेंस कि एस ले, रजिस्टेंस जी लै लें आप, करंट बी कड़ू आई आर होंगे ना ओम्स लॉ, आई जी इंटू जी। ठीक है जी, हुण तुहानू पता इतने करंट आई है कि आई जी प्लस आई एस। ठीक, सो आई एस की आप इतने आई जी वेख लें कि अपना आई जी कि आई माइनस आई एस इतने वैल्यू पुट कर देंगे, आई जी की वैल्यू पुट कर देंगे कि इतने किरचॉफ लॉ फर्स्ट लगाया मैं, जेडे करंट अंदर आते हैं वो प्लस लेता जंक्शन है ना इतने सारे करंटा तो सामने ही होना जीरो होना। ठीक है, किरचॉफ लॉ कि लगाया मैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया। आई माइनस आई एस, ठीक है, ये वैल्यू पुट करती मैं इंटू जी, आई एस की वैल्यू कितनी आएगी, आई जी माइनस आई एस इंटू जी, इनू इधर ला जाइए, आई एस कॉमन आ गया कि आ जाएगा कैपिटल आई कैपिटल जी ओवर आई एस कॉमन ही ना ये चो जी प्लस रह रहना, सो इन्ना करंट पास करेगा थोड़ा शंट दे विचो। ठीक है, सो ये यूजिस क्या है, फर्स्ट यूज क्या है जी, शंट इज यूज टू प्रोटेक्ट गलवेनोमीटर। सेकंड की है यूज, सैकेंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट आ, देखो शंट इज यूज टू कन्वर्ट ए गलवेनोमीटर इंटू एन एम मीटर, गलवेनोमीटर एम मीटर कन्वर्ट कर लो, पता ना एम मीटर, एम मीटर नाल की मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और शंट नू कैसे यूज करते हैं, टू इनक्रीज रेंज ऑफ एम मीटर। हम तुम्हें पता अपने को अलग अलग एम मीटर की रेंज होंगी, मिली एम्पीयर भी होंगे माइक्रो एम्पीयर भी होंगे, तो शंट रजिस्टर ये आप की करते रेंज में इनक्रीज करते, मतलब ज़्यादा रेंज तक अं करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट हम कर लगे जी एम मीटर, एम मीटर किवें ही बनाने हैं तुम दिखा दें, सर्किट पहला सेम सर्किट आ, कोई चेंजेस नहीं हैगी। ठीक है, एम मीटर, एम मीटर की है जी, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस गलवैनो मीटर, कितने यूज करी दा, यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। तो गलवैनोमीटर आप किवें कन्वर्ट करते हैं मीटर, गलवैनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल विद गलवैनो मीटर। मैं सर्किट बना दिना इतने, देखो हाँ यह गलवैनोमीटर है, इन्हें पैरेलल च लगानी है, लो रेजिस्टेंस शंट लगाता है। ठीक है जी, करंट आई आ रहा, मान लो इस करंट आई जी पास कर रहा, इधर किना जाऊगा आई माइनस आई जी, किरचॉफ लॉ लगाता। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लो एस है जी। ठीक है जी, सो स्टूडेंट देखो
जी की है क्या वा रेजिस्टेंस ऑफ गलवेनोमीटर, एन की हैगा तुहानू पता ना उहदे गलवेनोमीटर तो रीडिंग स्केल बने ना उहदे प्रॉपर, ठीक है उत्थे देख लेनी है किन्नी है डिवीजन है, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन्स इन गलवेनोमीटर। ओके के हैगा अपना करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर, मतलब ये तो लीस्ट काउंट है के, मतलब एक डिवीजन का करंट जिन्हें पास करो तो के होएगा, हम कि डिवीजन है उन्ना मल्टीप्लाई कर देंगे उन्ना करंट की जो पास करेगा अपना गलवेनोमीटर च करोगे एन इंटू के आप और की लिख सकते हैं लीस्ट काउंट भी है एम गलवेनोमीटर, ठीक है गलवेनोमीटर जिन्ना करंट पास करेगा। सपोज करो आई बी मैक्सिमम करंट आ पास कर रहा, मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय गलवेनोमीटर, ठीक है हुण असीं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेने हैं, किवें करनी क्योंकि इत्थे भी पोटेंशियल से क्रॉस दोनों पैरल च लगे ना पोटेंशियल सेम होगा, वी एस तो वी जी दोनों क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा, वी एस किन्नी वैल्यू करंट कितना पास कर रहा आई माइनस आई जी, वी इक्वल टू आई आर होंगे ना रेजिस्टेंस एस वी जी कितना करंट है आई जी इंटू जी, ठीक है सो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी शंट की रेजिस्टेंस कितनी होएगी आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है जी। सो हम देखो यदि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होएगी दोनों पैरेलल जाना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप दस देने हैं कितनी होएगी, अं ये प्रूव करना ना कि जो एम मीटर वो रेजिस्टेंस की होंगी है आइडियल वास्ते कि होंगी जीरो होंगी है रेजिस्टेंस, ये प्रूव करना अं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हम दोनों पैरल च लगे ही ना कि आऊगा वन ओवर एस प्लस वन ओवर जी, आर इफेक्टिव कि आजगा जी एस ओवर जी प्लस एस, हूँ आह देखो समॉल वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई हो रही है मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पैर से लगाई जा इफेक्टिव रेजिस्टेंस की होती है घट जाती है, सो मिनिमम रेजिस्टेंस अं किमें ला सकते थोड़ा डिवाइसिस दी हम मान लो जिन्नी मर्जी डिवाइसिस दी है जो थोड़ा कहने कि मिनिमम रेजिस्टेंस कि कर सकते हैं सारे पैरल च लगा दो, तो पैरल जाना रेजिस्टेंस मिनिमम होनी है तो एस की तो वैल्यू पहले आप समॉल लै रहे हैं, सो ओवरऑल जी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की आ रही है अपनी बहुत घट आ रही है, ठीक है इट मीनस कि जो आइडियल गलवेनोमीटर आ सॉरी आइडियल एम मीटर एन आइडियल एम मीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अपना वोल्ट मीटर, नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, ए हाई रेजिस्टेंस गलवेनोमीटर सो इन कितने यूज़ किया जाता इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इन वोल्ट, ठीक है जी। तो गलवैनोमीटर में किवें कन्वर्ट सकते कर सकते हैं वोल्ट मीटर च, गलवैनोमीटर कैन बी कन्वर्टड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गलवैनोमीटर, हम दिखाइए तुहानू करके कनैक्ट, देखो गलवैनोमीटर अपना
सीरीज कितना लगावेंगे, आ देखो रेजिस्टेंस में आर लगाती सीरीज, करंट एरिया जो पास कर रहा है आई जी, ठीक है, इन ला लीजिए पॉइंट ए, इन ला लीजिए बी, इधर पास कर रहे हैं ए तो बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, बी कितना है बी। हूँ देखो आई जी की वैल्यू लभनी आप करंट की कितना लभा, टोटल रजिस्टेंस पता नहीं जी, सू पॉइंट ए तो बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये क्रॉस ही टोटल रजिस्टेंस देख लाँगे। देखो हम सीरीज है ना, इफेक्टिव रजिस्टेंस कि आएगी जी प्लस आर, सो पोटेंशियल डिफरेंस कि अपना वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए तो बी के क्रॉस कि वी आ, करंट कि आई जी आर कि जी प्लस आर, सो वी की वैल्यू कि आई पहले आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, ये आई जी की जी प्लस आर कि हो गया अपना वी ओवर आई जी, तो आर की वैल्यू कि होगी वी ओवर आई जी माइनस जी है ना। उस तो तुम देखो ये अपनी रजिस्टेंस आ गई जी आप एक्सटर्नल लगाई है हाई रजिस्टेंस, हूँ अं ये प्रूव करना कि मतलब वोल्ट मीटर की रजिस्टेंस की होंगी है इनफाइनाइट होंगी है आइडियल दी, किमें करा क्योंकि सूँ पता यदि इफेक्टिव रजिस्टेंस कि होगी, आ रजिस्टेंस पहले ही हाई है यदि जी है, सो आर इफेक्टिव कि आ रहा अपना जी प्लस आर, ए तो पहले ही हाई है तो बच्चे ऐड होगी तो रजिस्टेंस की होगी अपनी ज़्यादा होगी, जोड़ा अपना आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ द रजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफिनिटी इनफाइनाइट कह लो, ठीक है जी।